नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी पूरे कार्यक्रम की जानकारी। 10 दिनों के भीतर शुरू किया जा सकता है टीकाकरण। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। जलाशयों में फ्लू से बचने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए रहें तैयार। राज्य में नर्सिंग भर्ती मानकों में संशोधन करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को दिए निर्देश, समाप्त हो जाएगी एक साल के अनुभव और फॉर्म 16 की अनिवार्यता। और चार धाम समेत राज्य की ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। पहाड़ से मैदान तक बढ़ी ठंड, जारी रह सकता है बारिश का ये दौर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट किया जा सकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 3 जनवरी को ही दो वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे चुका है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्रकारों को कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी। 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की। उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। उन्होंने बताया कि देश में 4 मुख्य वैक्सीन स्टोर हैं। यहां से वैक्सीन देश के विभिन्न राज्यों में बने 37 केंद्रों पर भेजी जाएगी। यहां से राज्य इनको जिला मुख्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि पर भेजेंगे। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की डिजिटल रियल टाइम निगरानी कोविन ऐप के जरिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। देयर आर टेम्परेचर ट्रैकर्स एस्टैब्लिश्ड इन ईच GMSD, ईच स्टेट वैक्सीन स्टोर, ईच डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर, एंड दीज टेम्परेचर ट्रैकर्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस अपलोड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर इनसाइड द फैसिलिटी ऑन टू अ सेंट्रल सर्वर। केंद्रीय सचिव ने बताया कि कोविन पोर्टल, डिजी लॉकर और यूनिक हेल्थ ID की मदद से वैक्सीनेशन प्रक्रिया की निगरानी करेगा। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से लगे हिमाचल में बर्ड फ्लू से अब तक लगभग 2,300 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी प्रत्येक साल प्रवासी पक्षी आते हैं। इसको देखते हुए राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल से लगे आसन बैराज पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। महाराष्ट्र में कुत्तों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक JS सुहाग ने विभागीय अधिकारियों को सतर्क बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कुत्तों के जरिए ये बीमारी बाघों या अन्य वन्य जीवों को भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन के जरिए इस खतरे से बचने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में इस तरह का मामला कोई सामने नहीं आया है। वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को बर्ड फ्लू को गंभीरता से लेते हुए जरूरी इंतजाम और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। फ्लू पे एडवाइजरी आई है हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थान पे बर्ड पाई गई मृत, तो उसी बेसिस पे हमने अपने सभी को फ्रिंज एरिया में कुछ जगह है महाराष्ट्र में पाया गया कि जंगली जानवर जो कुत्ते वगैरह हैं कि जंगली जानवर को परेशान करते हैं। उत्तराखंड में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, फिर भी फ्रिंज एरिया में डायरेक्टर्स को निर्देश दिए गए नजर रखें। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद काम पर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग भर्ती में मानकों में संशोधन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य सचिव को 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। इस संशोधन के बाद फॉर्म 16 की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। कैबिनेट निर्णय के बाद नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। राज्य में 1200 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती के लिए इन शर्तों के कारण कई नर्सिंग प्रशिक्षित युवा इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मानकों में ढील देने की मांग की थी।
राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों के बाद सरकारी आवासों के आवंटन में मिलने वाला आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इससे दिव्यांग कार्मिकों को सरकारी आवास मिलने में आसानी होगी। इस संबंध में राज्य संपत्ति विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। राज्य में बीती शाम से ही मौसम ने करवट बदल ली थी। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शाम से हल्की बारिश हुई। बारिश का दौर आज भी जारी रहा। वहीं चारधाम सहित राज्य की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की है। साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में 1600 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी जारी रह सकती है। बर्फबारी की जहां तक बात है तो वो 3000 मीटर या 2500 मीटर तक आज जो है वो दिख रही है अभी जो है, लेकिन उसके बाद रात से या कल सुबह से आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो लोअर हाइट्स तक भी आ जाएगी। करीब 2200 मीटर के आसपास तक वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेंगे तो जो स्नोफॉल एक्टिविटी है वो लोअर हाइट तक भी आ जाएगी। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना को निरस्त करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस दिया है। इस मामले को लेकर कई पर्यावरण प्रेमियों ने भी हाईकोर्ट को सरकार के फैसले के खिलाफ पत्र लिखा था। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने गत वर्ष नवंबर माह में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया था। नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी ने मुखानी में स्थित डॉक्टर लाल पैथ लैब द्वारा कोविड जांच के नतीजे देर से देने के मामले में जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी सविन बंसल को सौंप दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने लैब की आरटीपीसीआर जांच की अनुमति निरस्त कर दी है। लैब की शिकायत स्थानीय निवासी एचएन पाठक ने की थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनकी बेटी का कोविड सैंपल 12 दिसंबर को लिया गया था, जबकि उनकी जांच रिपोर्ट 28 दिसंबर को गई। आईसीएमआर के नियमों के अनुसार कोरोना जांच रिपोर्ट को रियल टाइम में पोर्टल पर भी अपलोड नहीं किया गया। 17 दिन बाद मिली रिपोर्ट में उसे पॉजिटिव बताया गया। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी विवेक राय ने बताया कि लैब को सशर्त जांच की अनुमति दी गई थी। जांच में अनियमितता और गंभीर लापरवाही के चलते लैब की आरटीपीसीआर जांच की अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल महोदय के स्तर से लाल पैथ लैब के आवेदन पर सीएमओ द्वारा उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की अनुमति दी गई थी। टेस्ट की अनुमति जो है कुछ शर्तों के साथ दी गई थी, उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया है, लोगों के जन जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आता है और 17 दिन बाद रिपोर्ट दी जाती है, ये बहुत बड़ी जो है लापरवाही उनकी है। उस लापरवाही का दंड भी मिला है। जिलाधिकारी महोदय ने उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जो उनको दी गई थी अनुमति उसको निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत अब देश भर की छावनी परिषदों में भी ई छावनी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत रानीखेत कैंट बोर्ड ने भी ई छावनी योजना शुरू की है। ई छावनी सुविधा शुरू होने से अब आम नागरिकों को भी सभी सुविधाएं एक क्लिक पर मिल जाएंगी। छावनी परिषद से जुड़े सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत आम लोग अपनी शिकायत rani.kent.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही सभी जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए भी अब घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा। ई छावनी नाम से एक नई परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत rani.kent.gov.in पर लॉगिन करके नागरिक विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कई सर्विसेज हैं जो कैंट बोर्ड की, उनको ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें से प्रमुख हैं कि जनता की कोई भी शिकायत हो सफाई के संबंध में या किसी अन्य संबंध में वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस हो गया, कोई भी एप्लीकेशन फीस हो गई, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, वो ऑनलाइन उसको कैंट बोर्ड को भेज सकते हैं।
गढ़वाल विश्वविद्यालय के उच्च शिखरीय पादप कार्य की शोध प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से 2200 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले गांव में उच्च शिखरीय औषधीय पादपों के उत्पादन का अभियान चलाया गया था। वैज्ञानिक डॉ विजयकांत पुरोहित ने बताया कि यह अभियान कोरोना काल में लोगों को औषधीय पादपों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए चलाया गया था। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में औषधीय पादपों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली जड़ी बूटियों की अहम भूमिका होती है, साथ ही ये आय का भी अच्छा साधन है। पिछले वर्ष 2020 में मार्च से और जब से कोरोना काल शुरू हुआ, हम लोग जो है कि गांव-गांव में गए और जो प्रवासी भाई बंद गांव में आए थे उन लोगों को हमने जड़ी बूटी कृषिकरण के बारे में जो है जानकारी दी, क्योंकि जो बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो हमारे हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं और उसका जो है बाजार में जो है कि काफ़ी उसकी मांग रहती है और वो जंगलों से जो है धीरे धीरे जो है कि विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गई है। तो हमारे संस्थान द्वारा जो है कि इसकी पौ तैयार करके गाँव वालों को दी गई। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देशों के बाद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने चीता पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 150 पुलिस कर्मियों का चयन कर लिया है, जिन्हें पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चीता पुलिस और सिटी पेट्रोलिंग यूनिट यानी CPU को आधुनिक बनाने के लिए पहले चरण में 120 पुरुष और 30 महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में 150 पुलिस कर्मी चयनित किए जा रहे हैं, जिनमें 30 महिलाएं और 120 पुरुष कर्मी होंगे। इनको पुलिस लाइन्स में एक गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य रूप से इस फोर्स का उद्देश्य फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करना है और किसी भी मौके पर पहुंचकर विभिन्न सिचुएशंस के हिसाब से इनको क्या प्रतिक्रिया देनी है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इस बारे में इनको ट्रेन किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी पूरे कार्यक्रम की जानकारी। 10 दिनों के भीतर शुरू किया जा सकता है टीकाकरण। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, जलाशयों में फ्लू से बचने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए रहें तैयार। राज्य में नर्सिंग भर्ती मानकों में संशोधन करेगी सरकार, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को दिए निर्देश। समाप्त हो जाएगी एक साल के अनुभव और फॉर्म 16 की अनिवार्यता। और चार धाम समेत राज्य की ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी, पहाड़ से मैदान तक बढ़ी ठंड, जारी रह सकता है बारिश का दौर। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।